खड़े हो जाओ, खड़े हो क्यों नहीं, आप तो ठीक हो ना? उसको इंजेक्शन लगेगा तो तुम लगवाओगे? हाँ चलो खड़े हो जाओ। फीवर तो नहीं है, कोल्ड कोल्ड है। बाय। जब भी मुझे बैंगन, तोरी, टिंडे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो मैं हमेशा बच्चों के लिए आलू बना देती हूँ और उनको वही ज़्यादा पसंद आते हैं। सो माही के लिए इसलिए आलू बन गए थे सुबह। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू पतंजलि लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? बहुत शोर हो रहा है क्योंकि पंखे चल रहे हैं पोछा सुखाने के लिए। शाम ने पोछा लगाया है और उसको सुखाने के लिए सारे फ़ैन होने घर के, तो मैं सबको बंद कर देती हूँ। मेरी पूजा वगैरह हो गई है और ठंड स्टार्ट हो गई है और अब मैं पीऊँगी चाय। क्या कितनी ठंड लग रही है? दिखाओ तो क्या क्या पहन रखा है। देखो इसको इतनी ठंड लग रही है, हैं? पहले स्वेटर, स्वेटर के ऊपर जैकेट। अच्छा और लोवर दिखाना जरा। पहले भी एक बुलन लोवर पहन रखा है, उसके ऊपर एक और पहन ले। सही में इतनी ठंड लग रही है? एक्टिंग कर रहा है ना, पता है मुझे बेटा इतना नहीं है। इसको उतार लोवर को। इतनी तो ठंड भी नहीं हुई है जितना सनी दिखा रहा है, बट हाँ उसको थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। उसका है ही, उसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। थोड़ी सी गर्मी हो तो एसी एसी एसी, और थोड़ी सी ठंड हो तो ठंड ठंड ठंड। चाय इंजॉय करते हैं। और ये देखो सारे ना कुशंस की हालत देखो, माही कभी उस पर लेटेगा कभी उस पर लेटेगा। तो मैंने ठीक नहीं करे हैं, अभी थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, थोड़ा सा इसको ठीक करती हूँ। और वो देखो गेंदे, दिवाली वाले दिन नानू लाए थे ना, आज तक बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, मिंत्रा की तो बड़ी फास्ट सर्विस हो गई। रात को 9 बजे ऑर्डर किया था और सुबह आ भी गया। बैठ तो आप गए, मैं कैसे फिरूंगी? आज मम्मी करेंगी अपनी सिलाई। माही को लेके आऊंगी स्कूटी पे, क्योंकि आज वो अकेला है ना, तो वैसे भी माही को बहुत टाइम हो गया स्कूटी पे बैठे हुए, तो आज उसे मैं स्कूटी पे ही लेके आऊंगी। माही स्कूल में मेथी वाले पराठे ले गया था ना, और अब मैं उसके लिए बना के दूंगी पनीर वाले पराठे। तो थोड़ा पनीर रखा है तो दोनों का एक एक पराठा पनीर वाला बन जाएगा, और खुश होके भी खा लेगा, वरना बोलेगा सुबह भी यही वाला दिया था, अभी भी यही वाला दिया, मैं नहीं खा रहा। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo. माही दही पराठा खुश होके खाता है, चाहिए रात को खिला दो किसी भी टाइम, बट सनी को दही पसंद नहीं है। लो माही लो, जल्दी लो, जल्दी खाओ, फिर मैं जा रही हूँ बेटा, मेरे को जल्दी, फिर लेट हो जाऊंगी, 3 बज गए हैं। और मैं जाती हूँ मार्केट क्योंकि मुझे है काम, बहुत सारे काम है। आपके बताऊंगी क्या क्या काम करके आई हूँ, क्या क्या लाई हूँ। हो गया है और अब मैं मार्केट से आ गई हूँ। और मैं क्या लाई मार्केट से, एक तो मैं ये बोरोसिल का ग्लास का जार लेके आई हूँ ऑयल डालने के लिए, और जो यूज कर लेती हूँ ना उसको डालने के लिए, क्योंकि वो मेरा जो था वो बड़े वाला वो प्लास्टिक का था, बॉटल्स तो मेरे पास ग्लास की। एक ये स्टील वाली स्ट्रेनर लेके आई हूँ अभी सर्दियों में साग वगैरह मेथी वगैरह साफ करने के लिए, और पास्ता वगैरह भी, क्योंकि मेरे पास ये स्टील वाली नहीं थी प्लास्टिक वाली थी। तो घी का जार लेके आई हूँ जिसके साइड में कट है, मेरे पास जो अभी था, क्या बात है सनी, मेरे पास जो अभी था ना उसके साइड में कट नहीं था, तो
स्पून उसके अंदर डालना बड़ी दिक्कत होती है, इस साइड में कट है तो इसमें स्पून लगा दो। बेटा कट था वो, बट वो ऐसे करके यूलेट डलती है उसमें, वो कुछ और था। और एक गिफ्ट लाई हूँ, अद्विका के बर्थडे पे जाएंगे तो वहाँ पे उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ, बहुत अच्छा सा लेके आई हूँ। ये वाली झुमकी इधर से दिखेगा, ये कितने सुंदर है ना, बड़े बड़े इयररिंग्स ये वाले। और ये मेरा जो पीच सूट दिवाली पे डाला था ना, उसके लिए लाई हूँ, पीच पीच कलर की, मैचिंग मैचिंग थोड़ा। आज मम्मी अपने वो सूट सही कर रही थी ना, तो धागे नहीं थे काफी कलर्स के, तो कुछ कलर्स के ये लेके आई हूँ। तो माही ने पहना था तो बोला इसका इतना सुंदर कलर, तो सनी के लिए लाई। ऐसे ही फेंको मेरे ऊपर। और एक ही सनी का ट्रैक सूट है, कितना कलर, कितना अच्छा कलर है ना। मैं पिटाई कर दूंगी सानू पहन के देखो बेटा, ये वाला सही है, क्योंकि मैं धनतेरस पे लाई थी इसके लिए ट्रैक सूट और टी शर्ट, तो वो बड़े साइज के ले आई थी। हमेशा यही होता, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बड़ा ले आई थी, चेंज कराया, एक्टिंग नहीं करा। और इस बार भी तो अभी मैं उसका चेंज करा के लाई हूँ। माही शक्ले नहीं बनाओ, माही के बिल्कुल फिट साइज आता है। माही का जो मैं लाई थी ना, वो बिल्कुल चाई चाई हो गया था। और आज माही स्कूल चला गया भैया के बिना, है ना। कैसा लगा? वैसे सेम क्लास में थोड़ी हूँ। अच्छा लगा। कैसा लगा सानू? हाँ, ये मेरा लोवर था और सनी को ये सॉफ्ट वाले बहुत पसंद है, तो इसको काट पीट के और सनी के साइज का कर रही हूँ, कि उसके लोवर से मैंने साइज ले लिया है। अभी अभी दोनों को लेके आई हूँ स्कूल से। और सनी की तबीयत थोड़ी सी ना अभी भी उसको है कोल्ड, क्योंकि एक दिन में तो कोल्ड ठीक होने वाला है नहीं, बट मैंने इसका जो लोवर बनाया था ना, आते ही वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसको वो बहुत पसंद है। उसके पास जो है वो उसने घुटने पर से उड़ा दिया है, वाई नॉट। देखो मैंने सनी का लोवर बिल्कुल फिटिंग वाला बिल्कुल सही किया है, उसका एकदम फिट आ रहा है, देखा। से थैंक यू टू मम्मा। हमें लो बच्चा आज भी थोड़ा ढीला हो रहा है, तो मम्मा ने बना दिया ना, इसकी तबीयत ढीली हो रही है मेरी बच्ची की। और माही जब मैं इसको प्यार करती हूँ ना, माही के जो एक्सप्रेशन है ना, देखने लायक होते हैं दूर से। अच्छा माया, आप भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो ये भैया का जो छोटा हो गया ना, ये तुम्हें आएगा। और सेम सेम उसको पांडा वाला ही चाहिए था, सेम यही पांडा सनी का था, और सेम वो वाला भी सेम है, है ना। इस पे बड़ा है और भी अच्छे से दिख रहा है। अगर ये बदमाशी करिए ना माही, तो मैं पिटाई कर दूंगी। देख लो, ये देखो सारे कपड़े फोल्ड कर रखे थे, सारे बिखेर दिए हैं, फिर मम्मा को गुस्सा आ जाएगा। आज बर्थडे पार्टी में जाएगा ना माही को, बर्थडे पार्टी में पापा आ जाएंगे ना शाम को। हाँ, और न्यू टी शर्ट भी पहन ली है ना बर्थडे पार्टी में। और ए सो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूंगी मैं वहाँ पे। अद्विका का बर्थडे है और अद्विका मुझे बुआ बोलती है। चलिए मम्मी यहीं पे है, देखिए। अब चाहे आपको किसी भी पार्टी में जाना हो, बट जो घर के काम है ना, वो पहले ज़रूरी हैं। तो मुझे रास्ते में ही ये सब्जी वाले की दुकान दिख गई थी, और मैंने नानू से कहा रुको 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 रुको, वो कह रहे क्यों रोड के बीच में क्यों, मैंने कहा मुझे पहले सब्जी लेनी है। तो पहले मैंने कुछ सब्जियां खरीदी और फिर हम सीधे बर्थडे पार्टी में गए। हेलो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्ल की चाची बिजनेस वुमन है भाई, मिलवाएंगे कभी इनकी शॉप पे, ले जाएंगे आपको, बहुत प्यारी शॉप है। और ये हमारी सबसे प्यारी बच्चियाँ आराम से बैठ के झूला झूल रही हैं। हाँ, और कनक ना मेरी सारी वीडियोस देखती है और उसको बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो आज कनक की वीडियो में आ गई है। माही बेटा नहीं, चिटिंग नहीं। और ये है हमारी शीतल। हेलो, ये टीचर है। कौन आउट हुआ इस बार? दिव्य तो हमेशा विनर रहता है। सारे इधर ही खड़े हुए थे, बच गए सारे। ओ बर्थडे गर्ल आउट हो गई भाई। एंड ये है रिगन भैया, बर्थडे गर्ल के पापा। और रिगन भैया बहुत स्वीट हैं। और यहाँ बर्थडे गर्ल का फोटो शूट चल रहा है केक कट से पहले, जो उसकी बुआ करती है। क्या मिला, क्या मिला प्राइस विनर माही? हाँ, मैग्नेट्स।
बर्थडे कल रेडी हो रही है भाई। हेलो नमस्ते मामा, तुमने तो भाई थे ना से मिलने, तुमको बुला के ऐसे शर्मा लो, तुमने रोटी शर्मा दी ना किशन जा रहा था बढ़ के। रिगन भैया बहुत ही नेम और फेम वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। रिगन भैया की फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है और फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं सभी सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। ऐसी फैमिलीज आज के टाइम में देखने के लिए ना बहुत कम मिलती है और जब भी भैया की फैमिली में जाना होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जल्दी खाना मिलेगा ना सबसे पहले। मम्मा पापा चलो, उनको लग रहा है बस बच्चे बड़े हो गए अब फ्री हो गए हैं। हाँ आजकल चाची जी सबका इंटरेस्ट इसमें है कि पतले कैसे होते हैं। इसको तो नहीं होगा, नहीं मुझे नहीं है पता। तो बड़े बच्चे मम्मा पापा सब बिजी हैं अपने अपने ग्रुप में, सबकी मस्ती चल रही है, कहीं पे गपशप चल रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो यही तो होता है पार्टीज में। क्लास सेवेंथ क्लास, जल्दी आ जल्दी आ। तो रिगन भैया क्या दिखा रहे हो, ये माही को डरा रहे हो? जल्दी आ, खड़ा खड़ा हो जा। ये पकड़ पकड़, मामू ना इधर को खतरनाक चीजें करवाएंगे। बेटा पीछे से पकड़ना थोड़ा। हाँ यहाँ से पकड़, सीधा लो, क्लिक करो लो। क्या कटता है? नारियल। सही है। तो रिगन भैया मेरी तरह है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा फ्रेंडली है वो, कितना भी रिकॉर्डिंग करो। और हमारे नानू बिल्कुल अपोजिट है। फोटो फोटो खिंचानी है, ले पकड़। प्लेट तो रख दे उसके साथ, प्लेट मत जाओ, अभी गेम खेलेंगे। चलो नहीं दिव्य तेरे को भी लेना है, नहीं वो हंटर लेके चलूं मैं हंटर से पिटाई करने के लिए। मामा ने एक हंटर भी दिखाया था मुझे अभी, तो असली का भी हंटर नहीं खा रखा है। ये माही की तरह छोटी है ना, बुआ की बेटी देखेंगे। हाँ और एक सनी को लगा के भी देखेंगे। अभी अपने फ्रेंड की तरह नहीं आना चाहोगे ना। ये लंगोटिया यार है, ये दीपू भैया और हमारे नानू नर्सरी से साथ हो ना भैया, नर्सरी से, और अभी बूढ़े तो नहीं कहूंगी, खैर बड़े हो गए हो अभी तक साथ हो। जब अकबर वो सब हुआ करते थे ना, क्या दिखा रहे हैं कॉइंस? ओ बेटे ये पहली लाइन खुल गया, दूसरी वाली जा। अकबर के टाइम दिया भैया, सही बहुत एंटीक है ये, जब ये राजा महाराजा वो करते थे ना उस टाइम के। फिर ये उसके बाद ये चलने लगे, फिर ये होने लगे। कहाँ से लाया आप ये? ये सब पूरा बहुत पुरानी कलेक्शन थी, दादू पापा के परदादा दादा उनके हिसाब से। 84, 85, 90, 1884, 1784 ऐसे ऐसे हैं। ये वो है पीतल, किस चीज के हैं ये? अरे ये तोलने वाले क्या बोलते हैं इसको, अच्छा वेट जो पहले होते थे। वेट वाले ये 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, पूरा खजाना है भैया के पास। सभी यही बोल रहे हैं इतनी पतली है ना, बहुत दुबली हो गई है शीतल सही में। तो दीपू भैया और नानू का नेचर थोड़ा सा सेम है, डाउन टू अर्थ हैं ये लोग, अदरवाइज दीपू भैया अपनी जॉब पे एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत। थैंक यू। वो साथ खड़े थे अमित भैया तो गए, मुझे याद आ गया एक तो ले दूं। तो रिगन भैया का जो घर है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, सो कभी मौका मिला तो आपको होम टूर जरूर कराऊंगी। मैंने आज ही देखा। हाँ
भैया लोग सोचेंगे इसका फोन ऑन है, इधर ही मुंह कर लेती हूँ मैं तो। आ जाओ दोनों, आ जाओ बेटा, आ जाओ।